अभी हम लेंगे 4-ply यार्न एंड ये है ब्लू कलर का। उसके बाद हम ये यार्न में एक लूप बनाएंगे। मैं फिर से बना के दिखाती हूँ। एक लूप बनाएंगे यार्न में और उसके बाद अपना क्रोशे हुक यार्न में घुसा के एक चेन बनाएंगे। 1 फिर से बनाएंगे। पहले एक बना लिया, उसके बाद एक 2 लूप्स, देन फिर से एक 3 लूप्स बनाएंगे। उसके बाद 1 डबल क्रोशे इन द फर्स्ट लूप, देन ये हो गया हमारा दूसरा। देन 1 मोर डबल क्रोशे, ऐसे करके हम टोटल 12 एक ही लूप के अंदर 12 बनाएंगे, 12 स्टिचेस। पहले एक ऑलरेडी था चेन में, तो उसके बाद हम 11 बनाएंगे डबल क्रोशे एक ही लूप में और टोटल हो जाएगा हमारा 12 स्टिचेस हो जाएगा एक ही लूप में। तो हमारा ये पहला वाला जो राउंड है वो हम बना रहे हैं। एक ही लूप के अंदर हमको बार बार डबल क्रोशे करना है, तभी एक राउंड हो जाएगा। आप 8 टाइम्स भी दे सकते हैं, 12 टाइम्स, 16 ऐसे देने से अच्छा होता है। मैं वो ये यार्न के हिसाब से मैं 12 स्टिचेस दे रही हूँ इधर, मतलब 12 टोटल कर रही हूँ, 11 डबल क्रोशे और पहला एक जो चेन में था ऑलरेडी। तो उसके बाद मैंने वो हिसाब कर करके अपना वो स्टिचेस ऐड किया है। उसके बाद हम राउंड कंप्लीट होने से, जब कंप्लीट हो जाएगा ये 12 टोटल मिला के, आप ये देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एक एक लाइन को। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये ख़त्म करके हम वो उसका एंड में जाके उसको घुसाएंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे से दिखा रही हूँ उसको। उधर लास्ट में वो एक लूप होता है ऊपर का, उस लूप में हम जाके अपने क्रोशे हुक को उधर घुसा के, अभी कुछ भी नहीं करना है, डबल क्रोशे नहीं बनाना है, सिर्फ उस लूप में जाके हमको क्रोशे हुक को अच्छे से घुसा के उसको नीचे से यार्न को लाना है। एंडिंग मतलब यार्न को एक साथ ऐसे ही करके हाफ सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर से एक लूप और एक लूप, क्योंकि इधर एक डबल क्रोशे जैसा हम बना रहे हैं स्टार्टिंग में। फिर एवरी लूप में 2-2 डबल क्रोशे करना है। अभी एक तो ऑलरेडी था ही, इसलिए एक ही किया इसमें, और नेक्स्ट लूप में उसके ऊपर जो नेक्स्ट चेन है उधर हम फिर से डबल क्रोशे करेंगे और 2 बार करेंगे। ऐसे ऐसे सारों लूप्स में 2-2 डबल क्रोशे करना है, मतलब पहले 12 था, अभी इस राउंड में हमारा हो जाएगा 24, ईच में 2-2 करके 2 × 12 24 हो जाएगा। अभी इसमें भी करेंगे हम डबल क्रोशे 2 टाइम्स। नेक्स्ट लूप में कैमरा का फोकस थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए हम अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये देखिए नेक्स्ट सिंगल, सॉरी नेक्स्ट लूप में एक बार किया और फिर से एक बार किया, एक ही लूप में 2-2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। ऐसे हमारा पूरा मतलब राउंड ख़त्म हो जाएगा। यह है सेकेंड राउंड। ये एकदम से बेसिक राउंड है, ईच लूप में 2-2 डबल क्रोशे। अभी दूसरे में भी 2 डबल क्रोशे करना है। ऐसे करके हम पूरा ख़त्म कर देंगे सारा लूप को। आप मतलब किसी भी यार्न ले सकते हैं, लेकिन 4-ply यार्न बिगिनर्स के लिए सही रहेगा और कॉटन वाला अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फ्लफी वाला थोड़ा मतलब बिखर जाता है वो यार्न, और आपका हुक से अलग हो जाता है। तो
अच्छा होता है कतन कतन यार्न लेने से, आपका जल्दी से वो हुक से पास हो जाता है, कंफर्टेबल भी रहेगा, और ये इतना मतलब पैसा भी नहीं लगता है, ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है कॉटन यार्न, फ्लफी यार्न से ज़्यादा। मैंने इधर ओसवाल का लिया है, ओसवाल गंगा और वर्धमान यार्न अच्छा रहता है, लेकिन ओसवाल थोड़ा मतलब ज़्यादा मुझे बिगिनर फ्रेंडली लगा, क्योंकि जब मैं वो 7 से 7 साल पहले कर रही थी तो स्टार्टिंग में ओसवाल किया तो अच्छा लगता था, मतलब बिगिनर फ्रेंडली है ये अच्छे से। अभी ये हमारा राउंड ख़त्म हो गया है, और राउंड ख़त्म होने से हम पहले वो इसको पास करके राउंड को ख़त्म कर दिया है अच्छे से, वो उसको उधर से यान खींच कर ख़त्म कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड, और हम यहीं पे ही इसको समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट राउंड में जाने जाने से पहले मैं ये इसको कलर चेंज करने वाली हूँ, इसलिए हमने इसको इधर ही ख़त्म कर दिया है। अभी हम दूसरा वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे कलर चेंज करके वो नेक्स्ट राउंड बनाना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ये हो गया, और इस यान को हम वो उसमें ही ऐसे घुसा के थोड़ा सा उसको मतलब गायब कर देंगे, ये यान अभी नहीं दिखेगा, तो दिखने में भी स्मूथ हो जाएगा, अच्छा लगेगा देख के। हाँ ऐसे, तो आप यान को ऐसे भी घुसा सकते हैं, ज़्यादा पास मतलब काटने से ना यान एकदम से हल्का होके खोल खोल भी जा सकता है, तो इसलिए ऐसा करने से अच्छा होता है।